आज मैं आपको त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले होते हैं उनको कैसे याद किया जाए ये सिखाने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति में सबसे जो बड़ी जो समस्या है स्टूडेंट्स के सामने वो ये रहती है कि त्रिकोणमिति के सूत्र याद नहीं रहते, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ। अगर आप उन ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आप आसानी से याद कर सकते हो। पूरी त्रिकोणमिति में मुश्किल से आपको 10 या 12 फॉर्मूले याद करने हैं। 10 या 12 फॉर्मूले याद होने से सारे फॉर्मूले त्रिकोणमिति के याद हो जाएंगे। चलते हैं अब कि कैसे वो याद करना है, उसका तरीका क्या होगा। आइए लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है cos 2a। cos 2a बराबर है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब देखो इस फॉर्मूले से जो है हम तीन फॉर्मूले और याद कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला देखिए, पहला फॉर्मूला है इसको हम क्या है cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a। sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर जोड़ कितना हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। लो जी एक फॉर्मूला तो ये हो गया। और अगर आपको cos का cos के पदों में करना है तो sin के स्थान पर रख दीजिए। साइन के स्थान पर ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनको प्लस करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला और है इसका, तीसरा फॉर्मूला, एक दो तीन में एक फॉर्मूला हो रहा है। उस फॉर्मूले को लाने के लिए आपको क्या करना है, जो इसके बटे में आपको 1 लिख लेना है ऐसे cos 2a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन 1। और 1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। और 1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, लिख सकते हैं कि नहीं। फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर a कॉमन ऊपर से ले लीजिए, cos स्क्वायर कॉमन नीचे से ले लीजिए। cos स्क्वायर a कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ऐसे यहाँ से cos स्क्वायर a कॉमन ले लें, जहां कॉमन नहीं होता वहां बटे में चला जाता है, अपॉन में चला जाता है sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अब देखिए cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a कैंसिल, ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ले ये चौथा फार्मूला ये हो गया। कहने का मतलब ये है भैया कि हमें cos स्क्वायर का केवल फार्मूला ये वाला याद करना है, cos स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, बाकी ये वाले 1 2 और 3 ये तीन फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। तो एक फार्मूले से ये चार फार्मूले तो भैया ये हो गए, ठीक है। तो केवल हमें क्या याद रखना cos 2a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अगर cos के पदों वाला फॉर्मूला लगाना तो sin का मान रख दीजिए, और sin के पदों में निकालना तो cos का मान लिख दीजिए, और यदि tan के पदों में निकालना तो बटे में 1 रख के 1 के प्लेस पर रख दीजिए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर ऊपर से कॉमन, cos स्क्वायर नीचे से कॉमन, कटने के बाद देखिए ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ आगे चलते हैं, आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा tan a प्लस b का। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अगर आपको ये याद है तो माइनस वाला बड़े आसानी से लिख कर सकते हो, तो जहां माइनस है प्लस है वहां पर बस माइनस कर देना, यानी चिन्ह को बदल देना है। तो ऐसा करने से tan a प्लस b की जगह tan a माइनस b का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। देखिए इसकी हेल्प से ज्यादा फॉर्मूला याद हो गया, और इसी की सहायता से अब हम cot a प्लस b का निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप cot a प्लस b का निकालना तो दो काम कर ले। नंबर एक, सबसे पहले तो जो बाईं ओर लिखा है उसे दाईं ओर लिख दीजिए, ऐसे करके पलट दीजिए और नीचे का ऊपर कर दीजिए। दो काम करने हैं, दो जंप लगाने हैं इसमें। पहला जंप देखिए, नीचे वाला ऊपर गया, दूसरा इधर का ऐसे कर दिया, यानी ये करा हमने cot b
कॉट ए प्लस वन और साथ में करना ये करना कॉट बी माइनस कॉट ए, तो दो जम करने हैं इसमें, क्या करने, एक तो अंश वाला हर में चला जाता, हर वाला अंश में और लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, देखिए ऐसे करके ये गया ऐसे और साथ में टेन की जगह कॉट लिख दीजिए, देखो ऐसे कर दिया और ऊपर को पलट दिया, सबसे पहले तो ऐसे पलटा, ठीक, पलटने के बाद ये करा टेन की जगह कॉट रख दिया, टेन की जहाँ जहाँ टेन है वहां पर कर दिया कॉट, ऐसे पलटा और पलटने के बाद जहाँ टेन था वहां कर दिया कॉट और इसको ऐसे कर दिया, तो हमने अंश वाला हर में कर दिया, हर वाला अंश में और साथ में क्या करा इसको ऐसे कर दिया, देखो ये इधर था ये इधर कर दिया, ये इधर था इसको इधर कर दिया, ऐसे इससे निकाला जा सकता है, देखिए माइनस का निकालेंगे तो ये वाला जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए, बोलो क्या हुआ, कॉट बी कॉट ए माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ये हो गए, तो हमें कितना एक फॉर्मूला याद करना है, इससे तीन फॉर्मूले और हमें इस तरह से निकाल सकते हैं, तो टेन क्यू के फॉर्मूले से कॉट क्यू का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस इसमें कोई काम करना, नीचे का ऊपर जाना है और पलट देना है, तो क्या होगा कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन टू कॉट ए, देखिए इसमें याद होना चाहिए आ गया, क्या करना नीचे का ऊपर ऐसे और लेफ्ट का राइट, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस वन और टू कॉट ए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोस थ्री ए का फॉर्मूला है, कोस थ्री ए के फॉर्मूले से हम साइन थ्री ए का फॉर्मूला याद कर सकते हैं, कैसे देखिए साइन थ्री ए, तो जहां कोस है वहां कर देंगे साइन और इसको क्या कर देंगे ऐसे, ये इधर और ये इधर, तो क्या यहां बताइए ना थ्री साइन ए माइनस के फोर साइन क्यूब ए, ये हो गया। टेन थ्री के फॉर्मूले से कॉट थ्री का फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें क्या करना है देखिए, इसमें बस आपको ऐसे कर देना, इस तरह से करके अपन टेन की जगह कॉट लिख देना, तो देखो टेन की जगह आपने क्या करा कॉट किया माइनस थ्री कॉट ए अपॉन थ्री कॉट स्क्वायर ए माइनस वन, तो हमें क्या करना है इसमें कोट क्यू ए माइनस थ्री कोट ए और थ्री कोट उसके अरे माइनस वन, तो हमने इसमें क्या करा बस इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे और जहाँ टेन था उसके स्थान पे कोट रख दिया, तो इस प्रकार से देखिए कितने फॉर्मूले हुए एक दो तीन चार और पांच, तो पांच फॉर्मूले की सहायता से हमने कितने फॉर्मूले और याद कर लिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, यानी इन पांच फॉर्मूले की सहायता से नौ एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपको याद हो गए, अभी और भी फॉर्मूले आपको बताते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला दिखाया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसी की सहायता से हम साइन ए माइनस बी का निकाल सकते हैं, तो हमें करना क्या है फर्स्ट जहां प्लस वहां पर माइनस लगा देना, देखिए ये हो गया एक फॉर्मूला और ये आया आपका साइन ए पूरा ऊपर वाला उतार देना, तो यहां से साइन ए प्लस बी का याद है हमें, तो साइन ए माइनस बी का आसानी से हम याद कर सकते हैं, ऐसे देखिए कॉस ए प्लस बी का है तो कॉस ए माइनस बी का हम इजीली याद कर सकते हैं, कॉस ए माइनस बी के लिए बस यहाँ पे जो प्लस है तो माइनस कर दो और जहां माइनस है वहां प्लस कर दीजिए, पूरा एलईडी ऊपर वाला उतार दीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसी से इस वाले फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले निकलेंगे और इस वाले फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले निकलेंगे, अब देखो हमें अगर याद याद है तो ये हो जाएगा और याद ना याद है तो ये दो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, अब कैसे होंगे जरा देखिए साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी सबसे पहले तो नाम में सबके यहाँ पे टू लगा दीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे क्या है साइन, तो यहाँ पे साइन लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो लिख देना सी प्लस डी बटा दो, ये तो सब में लिखना, फिर क्या कॉस है तो यहाँ पे कॉस लिख दीजिए, कॉस सी यहाँ पर माइनस लिखना, देखिए
क्या हुआ sin c plus sin d का 2 sin c plus d बटे 2 cos c minus d बटे 2, उसके बाद यहां प्लस साइन है तो यहां प्लस साइन लगा दिया और नीचे वाला जाएगा 2 cos c plus d बटे 2 into sin c minus d बटे 2। एक बार फिर ध्यान दीजिए, देखिए इस फॉर्मूले से हमें ये मिला कि अगर हमने प्लस के स्थान पे माइनस कर दिया, और इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले मिल रहे हैं। देखिए ये कुछ जो है ये वाला इससे मैच कर रहा है, हल्का सा यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी है और यहाँ पर साइन ए प्लस बी। तो हम क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पर जो साइन है ये चीज लिखनी है, यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कोस सी माइनस डी बटे 2। और दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, जो साइन सी माइनस साइन डी है 2 cos c plus d बटे 2 into sin c minus d बटे 2। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले से बिल्कुल ऐसे ही इस वाले फॉर्मूले से ये निकलेगा, बताइए यहां पे क्या आएगा, बोलिए cos yes c plus d बटे 2 into cos c minus d बटे 2 minus sin है तो यहां पे minus sin लगा दिया। अब देखिए यहां पे sin c plus d बटे 2 into sin c माइनस डी बटे 2। इस फॉर्मूले को आप यू भी लिख सकते हैं, ये माइनस हटा देते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यू भी याद कर सकते हो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो और चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो d माइनस c बटे 2। अब हमें देखिए एक फॉर्मूले से ये तीन फॉर्मूले याद हुए, एक फॉर्मूले से ये हमें तीन फॉर्मूले याद हुए। अब इन दो फॉर्मूले से हमने ये वाले आने वाले हैं, देखिए यहाँ पर जरा ध्यान देंगे ये चीज जो इससे मिल रही है, देखिए 2 sin ये वाला, तो इसके स्थान पर हमें ये लिखना है, कैसे लिखेंगे, 2 cos a cos b, तो यहाँ पर 2 sin cos b का फॉर्मूला होगा sin इसकी जगह लिख देना हमें a plus b और बीच में प्लस वाला प्लस लगा देना प्लस sin a minus b, ठीक है ऐसे ही याद रखेंगे। ये वाला जो मिल रहा है 2 किससे मिल रहा है, तो इससे ये लिख देना क्या है, बोलिए sin a plus b माइनस है तो माइनस लगा दिया और sin a minus b ये देखिए मिल रहा। अब इसे ये किससे मिल रहा, cos a cos b ये इससे मिल रहा, तो ये लिखना क्या है, बोलिए cos a plus b plus cos a minus b, इस वाले से ये वाला देखिए 2 ये 2 लिखा हुआ, ये मान लीजिए a मान लो इसको b मान लो, cos a plus b plus cos a minus b। अब ये वाला इससे मिला देंगे, मिला कि नहीं 2 sin c, अब इसमें ये लिख देना हमें 2 sin, तो क्या आएगा 2 sin sin b cos, अब यहां पे या तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए वहां पे या फिर सीधा कर दीजिए, बात ये की है क्या आएगा cos तो यहां पर हमने क्या करा, देखिए ये चाहे तो पहले ये लाइन पूरी लिख दीजिए बाद में माइनस के अंदर एंटर करेंगे तो ये वाला यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कुल मिलाकर देखिए हमने क्या करे, ये इस फॉर्मूले से 1 2 3 और इस वाले फॉर्मूले से 1 2 3 और फिर ये चार फॉर्मूले से ये चार फॉर्मूले और हमारे पास आ गए। तो कुल मिला के हमें जो है कितने 8 फॉर्मूले याद करें, और 8 फॉर्मूले से हमने 3 ये हो गए 1 3 3 6 4 10 फॉर्मूले और हमने ये याद कर लिए। तो अब यहाँ पे देखिए साइन क्यूबे का है, साइन क्यूबे का फॉर्मूला है 2 sin a cos a, तो इसी की हेल्प से हम साइन क्यूबे का टेन के पदों में निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन क्यूबा का फॉर्मूला टेन के पदों में, तो इसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा साइन ए कॉस ए बटे में 1 लिख लीजिए और 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं, 1 के स्थान पर लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब हमें करना क्या, कॉस स्क्वायर से अंश में भाग देना और कॉस स्क्वायर से इसे हर में भाग देना, जब हम ऐसा करेंगे तो क्या आएगा साइन ए कॉस ए हमें किससे भाग देना कॉस स्क्वायर ए से, ऐसे नीचे दे दीजिए यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल
और यहाँ पे एक cos square से ये कैंसिल, कितना हो गया sin upon cos 10, और यहाँ पे देखिए कितना बचा 1 प्लस ऐसे sin upon cos हो गया 10 10 स्क्वायर a। तो इस प्रकार से हमने sin 2a का फॉर्मूला 10 के पदों में निकाल दिया। तो इस लास्ट फॉर्मूला sin a plus b और sin a minus b का, ये फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b। तो इसे हम जो याद है वो इस फॉर्मूले की सहायता से याद कर सकते हैं कि a plus b और a minus b बराबर होता है a स्क्वायर minus b स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है कि इसे बोलते हैं दो पदों के अंतर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर करना क्या है कि a और b पे बल नहीं लगाने, साइन पे लगाने हैं बस, कितना ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b। अब इसकी सहायता से यहाँ फॉर्मूला लग सकता है, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम यही है, cos sin की जगह आ गया cos, यहाँ भी cos आ गया। तो यहाँ पर अंतर क्या बस इसमें, इस बात का विशेष ध्यान रखना, तो पहले तो यही आएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, यही वाला आना है। इसमें ये कंफ्यूज बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि क्या करते हैं इसी जगह भी cos स्क्वायर बी लिख देते हैं। तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कुल मिला के इस फॉर्मूले को कैसे याद कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से याद कर सकते हैं, और इसे याद करने के लिए सब कुछ वही बताना, बस ये वाली चीज एज इट इज रखनी है। देखिए पूरा ऐसे है cos a plus b cos a minus b बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इस प्रकार से नौ फॉर्मूले हमने याद करे, और नौ फॉर्मूले की सहायता से अन्य त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हमने सारे बड़ी इजीली याद कर लिए। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और निश्चित रूप से आपको ये